तो बच्चों आज हम आपको कक्षा सातवीं का विषय हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। इस कविता के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। हिंदी भाषा के महान कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को झगरपुर उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कविताओं की भाषा सरल और दिल को छू लेने वाली है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिल्लोल, मिट्टी की बारात, प्रलय सृजन और बाणी की व्यथा। इनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। 27 नवंबर 2002 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगी। अब हम सीधे शिवमंगल सिंह का जो हमारे पाठ में है, सिलेबस में है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध नगा पाएंगे कनक तो तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध नगा पाएंगे कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। स्वतंत्रता यह किसी भी जीव की प्रथम आवश्यकता है। हर जीव इस पृथ्वी पर चाहता है कि हम स्वतंत्र हों। उसी स्वतंत्रता की आकांक्षा पक्षी भी अपने अंदर रखे हुए है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजर में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। तमाम लोग ऐसे हैं कि पक्षियों को पिंजरे में रख देते हैं, उनको अच्छा अच्छा खिलाते हैं, अच्छा फल देते हैं, लेकिन उनकी जो स्वतंत्रता, जो उनकी मूल आवश्यकता है, जो सबसे बड़ी चीज़ व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में, जीवों के जीवन में होता है, वह है स्वतंत्रता। जैसे हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वतंत्र पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, वैसे ही पक्षी भी स्वतंत्रता की आकांक्षा रखते हैं। हम पिंजरे में बंद होकर के नहीं जीना चाहते हैं। आप भले ही हमें सोने के पिंजरे में क्यों न रख दें, मगर उसकी सलाखों से टकरा कर हमारा कोमल पंख टूट जाएगा। हम बराबर सोने के पिंजरे से भी निकलना चाहेंगे। जैसे अगर जेल सोने का भी जेल हो तो भी व्यक्ति उसमें रहना नहीं पसंद करेगा। इसमें जो प्रमुख शब्द हैं बच्चों, थोड़ा सा उन शब्द को देख लीजिए। उन्मुक्त माने होता है स्वतंत्र, कनक माने सोना, पंछी माने पक्षी, पुलकित माने प्रसन्नचित। तो इस प्रकार से इस चार लाइनों में कवि ने पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है कि जिस प्रकार से मनुष्य स्वतंत्रता का प्रेमी होता है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, वैसे ही पक्षी भी कितने भी अच्छी व्यवस्था उनको दे दीजिए, सोने के पिंजरे में रख दीजिए, तो भी वो वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। बराबर अपने पंखों से उसमें निकलने की कोशिश करेंगे, चाहे उनके पंखे टूट ही क्यों न जाएं। तो आज इन चार लाइनों के साथ फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।